अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं लुक करने लगी हूँ वो आप देख सकते हैं, इट्स वेरी ड्रामेटिक कैट आईज। लाइक दीपिका वॉज वेयरिंग दिस मेकअप वंस इन दिस फंक्शन विद द सेम हेयर एंड ज्वेलरी एंड ऑलमोस्ट द सेम ड्रेस विद द डिफाइंड जॉ लाइन, विंग डाई, न्यू लिप्स। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपनी लुक। सबसे पहले मैंने क्या किया, थोड़ा सा आई प्राइमर लेके को आईलिड्स पे अप्लाई कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा है, इट्स कवर फिक्स है, आई थिंक ये ब्रांड है। इसका प्राइमर मैंने आईज पे अप्लाई कर लिया है। अच्छा, इसके बाद इसमें इस लुक में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आपने कवर आई का कितना एरिया कवर करना है। अब आप देख सकते हैं जैसे मेरी आँख दीपिका ने यहाँ से ऐसे कवर किया हुआ है। अच्छा, ये देखिए मेरी करीज़ यहाँ तक जाती है, बट अगर मैं इतना ज़्यादा कवर करूँगी तो बहुत ज़्यादा कवर हो जाता है। सो मैं ये जो पहली वाली लाइन है ना, यहाँ तक कवर कर रही हूँ। अब मैं क्या करना है कि ये देखिए राइट। सो जो मैं तो बताना भूल गई, मैं इंक आई लाइनर यूज़ कर रही हूँ, यही जो आप तकरीबन मेरी हर वीडियो में देख रहे होते हैं। आई डू हैव अदर टू जेल आई लाइनर एज वेल, इंगलॉट एंड मेबेलिन, बट फॉर सम रीज़न आई रियली लव दिस वन। ओके, आई एम हैप्पी विद दिस वन, लुक्स नाइस। जितना थिक मुझे चाहिए एग्जैक्टली उतना ही है। अच्छा जी, अच्छा होता ही है, यूजुअली हमारी दोनों आँखों की जो है शेप थोड़ी सी फ़र्क होती है। सो आप एक दफ़ा थोड़ा सा आइडिया लगा दें कितनी ऊपर तक आपने आईलाइनर को मूव करना है। बड़ा सुहाना मौसम हुआ है आज। वैसे तो आज टेम्परेचर 6 डिग्रीज जो है वो कम है नॉर्मल टेम्परेचर से लाहौर में होने, बट अभी कुछ ठंडा ठंडा फील नहीं हो रहा। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आईब्रोज ग्रूम की हुई हैं, वो इसलिए कि मेकअप लुक थोड़ी सी आई मेकअप लुक जो है वो मतलब कुछ डिफाइंड पता चले। अच्छा, होता ये है कि जब भी आप ब्लैक या कोई डार्क आई शेडोज वाला मेकअप करें, ऑलवेज एडवाइजेबल के आईज पहले करें ताकि आप अपना जो बाकी स्किन है उसको क्लीन कर सकें। अच्छा जी, नाउ आई अप्लाइड दिस आईलाइनर। So next step is applying a eyeshadow. I'm taking a black eyeshadow from alright, so I'm taking a black eyeshadow from Naked 2 palette. जिससे मैंने पहले भी बताया था, वैसे तो इसका जो ब्लैक है दैट इज द ब्लैकेस्ट। कैन यू सी द डिफरेंस, ये हल्का सा भी शाइनी है, ये मैट हो गया और फर्दर और ज़्यादा ब्लैक हो चुका है ये। राइट, इसके बाद आपने क्या करना है, यही वाला जो जेल आईलाइनर वाला ब्रश था ये लेके मैं अंदर फिल कर देती हूँ। इट्स द डिफिकल्ट पार्ट ऑलवेज फॉर मी, क्योंकि मेरी आईज वॉटरी हो जाती हैं और ग्लो ना हो जाता है। एनीवेज, आप इसको ऊपर वाली जो वाटर लाइन है
इसको फिल कर दें इससे। और राइट नाउ अब हमने क्या करना है, अब हम जरा आईलैशेस कर्ल कर लें। सो आई लैशेज मैंने कर्ल कर ली है और मैं अप्लाई करने लगी हूँ अपना मोस्ट फेवरेट। ऊप्स, ये है जी फ्रॉम टू फेस्ड, इट्स वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग आई मस्कारास आई हैव एवर ट्राइड। मीन्स अगर आपने इसको प्रॉपरली अप्लाई किया तो ऑलमोस्ट ये फॉल्सी का इफेक्ट देता है कि आपने फॉल्स आई लैशेज लगाई हुई है। ओके जी, इसके बाद हमने क्या करना है जो बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये कि मैं फेस को थोड़ा सा क्लींस करूँगी, क्योंकि अगर ये देखिए फॉर श्योर ये जो भी आप ब्लैक मेकअप करते हैं या कोई भी डार्क तो वो फॉल आउट होता ही होता है। सो आई हैव क्लियर्ड इट नाउ। अच्छा वैसे आप यहाँ पे टेप भी लगा सकते हैं, अक्सर लोग यहाँ पे टेप अप्लाई कर लेते हैं टू गिव इट अ मोर एजी लुक, बट आई थिंक आई कैन मैनेज विदाउट अ टेप। अच्छा जी, अब क्या करने लगी हूँ मैं, फेस कवर करने लगी हूँ। सो आई एम अप्लाइंग वो सेम फेस प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ फ्रॉम कवर फिक्स। जी हाँ, कवर फिक्स। इसके बाद हम फाउंडेशन जो लगाने लगे हैं वो है एस्टे लॉडर की डबल वेयर जी। सो ये है जी मेकअप पेस्ट जो मैं यूज़ करने लगी हूँ। मैंने थोड़ी सी इसको अपने हैंड पे निकाली है और नाउ आई एम अप्लाइंग इट विद अ ब्रश। आई थिंक थोड़ी सी फाउंडेशन की मुझे और ज़रूरत है। सो इस लुक में कंसीलर की बड़ी इंपॉर्टेंस है। मैं लगा रही हूँ मेबेलिन का I forgot its name, बड़ा फेमस है आई थिंक, नहीं इनफैक्ट वेरी फेमस। फिट मी, सॉरी आई forgot, फिट मी कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ मैं। जी तो अब मैं इसको अपने जो एक नन्हे मुन्ने ब्यूटी ब्लेंडर से
सेटल कर लेती हूँ, वही सेम स्टेप्स, जस्ट हैव टू डैब. अच्छा, प्लेइंग विद ब्लैक कलर्स इज़ रियली ट्रिकी, क्योंकि थोड़ा सा भी मिसहैंडल किया इसका मतलब है आपका पूरा मेकअप बड़ा खरक. सो जब आप ब्लैक यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक वेयर कर रहे हैं मेकअप, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल होना पड़ता है. ओके, सो अब थोड़ा सा हम लगाते हैं बेकिंग पाउडर. सो ये कर लिया हमने अप्लाई बेकिंग पाउडर. अब बारी है फेस कॉन्टोर की. सो फेस कॉन्टोर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ टार्ट का पाउडर कॉन्टोर. ये आपको मेरी काफ़ी सारी वीडियोस में नज़र आएगा बिकॉज इट्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट्स. और फेस के लिए करते हैं अच्छा, मोस्टली मैं प्रेफर करती हूँ कि पहले लिक्विड कॉन्टोर लगाया जाए, उसके बाद आप जो है वो पाउडर फाउंडेशन यूज़ करें, सॉरी कॉन्टोर यूज़ करें. अच्छा, पाउडर है तो ये बड़े आसानी से फिंगर्स के साथ भी समझ जाता है. अच्छा, चूंकि अब मैंने कोई बहुत हार्श या कॉन्टोर है वो मैंने सिंपल सा किया है, तो ऐसे करते हैं कि आज थोड़ा सा ब्रॉन्जर लगाते हैं. मैं यूज़ कर रही हूँ टार्टिएस्ट कॉन्टोर पैलेट में से ब्रॉन्जर, ब्रॉन्जर नंबर 4 ये है. इसमें मैं ये वाला ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ. और कॉन्टोर नंबर 3 जो है ना मैट कॉन्टोर, उससे मैं जॉ लाइन और नेक कॉन्टोर कर रही हूँ. ऑल राइट, और अब हम क्या करते हैं कि ब्लश अप्लाई करते हैं. अच्छा, अभी तक आप देख रहे होंगे मैंने कोई हाइलाइटर, कोई शाइनी मटेरियल कुछ भी नहीं यूज़ किया, तो वो हम एंड के लिए रखते हैं कि एंड में सोचते हैं कि क्या लगाना चाहिए. और वैसे भी ये थोड़ी सी मैट लुक ही है. अच्छा, इसके बाद हम अब लगा लेते हैं लिपस्टिक. अच्छा, लिपस्टिक से पहले मैं अपना ये जो बेकिंग पाउडर था ये रिमूव कर देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा शाइनी फील हो रहा है. ओके, एक काम और करते हैं कि आईब्रोज़ को दोबारा से ग्रूम कर लेते हैं. अच्छा, आप अगर आप कभी नोट करें दीपिका की आईब्रोज जो है वो हमेशा वेरी थिक और प्रॉपरली ग्रूम होती हैं. शी पेज अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द आईब्रोज. सो हम भी अपनी आईब्रोज जो है वो फर्दर ग्रूम कर लेते हैं जी. अच्छा, अब अप्लाई करने लगी हूँ मैं लिपस्टिक. अच्छा, इस मेकअप लुक के साथ जो लिप्स हैं वो बहुत न्यूड होने चाहिए. सो मैं यूज़ कर रही हूँ एक न्यूड कलर की लिप पेंसिल है फ्रॉम रिवाज. इससे पहले मैं मैंने आउटलाइन कर लिया इसको लाइट से. इसके बाद मैं 2-3 कलर्स मिक्स करने लगी हूँ. एक ही मैं यूज़ कर रही हूँ डोज ऑफ कलर्स का शेड, आई डोंट थिंक आई
नाउ ये डिलीट हो चुका है, इसका मैं एक बेस कोट लगा रही हूँ। इसके बाद एक और है समथिंग विजन लिप्स से गोल्डन रोज है, इसका भी थोड़ा सा मैंने एक कलर और बिल्ड कर लिया। दो तीन कलर्स अप्लाई करने का ये है कि लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, काफ़ी देर रुकती है, जैसे शादियों पर जा रहे हो आप या कहीं पे तो वो खाई जाती है लिपस्टिक। जैसे थोड़ा सा मैं लॉरियल का एक पीची पिंक कलर भी ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा उसको वाइब्रेंट करने के लिए। देयर यू गो, सो लाइक दिस लुक। थोड़ा सा अब हल्का सा हम अपने आप को हाईलाइट कर लेते हैं, थोड़ी सी ब्रॉन्जिंग, हल्का सा हाईलाइट, एक चीज़ और बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो है कि आपने इसका हल्का सा एक विंग भी बना सकते हैं। और आई थिंक इम्पॉर्टेंट ये इस लुक को ज़्यादा नीट कर देता है। लेट्स मेक अ लिटिल मोर विंगी आई। नाउ सी, एक ये विंग है और एक इस साइड से आपको नज़र आ रहा है जो कि अभी नहीं बनाया मैंने। सो लेट्स क्रिएट अ विंग। ओके, सो ये हो गई हमारी मेकअप लुक कंप्लीट। इसके एंड पे थोड़ा सा मस्कारा हम और ऐड करते हैं बिकॉज आई वांट मोर ड्रामेटिक आईज। और आई एम हैप्पी विद द लुक। सो दिस इज़ द फाइनल लुक, आई होप यू लाइक इट। इट्स अ बिट सिमिलर टू द हेयर इयर रिंग्स क्लोथ्स टू द सिमिलर, इज बिट सिमिलर टू द बिकास लुक। सो ट्राई करें, इन्जॉय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। थैंक यू।